हेलो दोस्तों, NPCL मैप्स द्वारा आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 03HRM 2023 जिसके एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुए थे उसमें से आपके जो 23 तारीख को CAT 1 के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। आपको रिज़ल्ट यानी कि स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम उस नोटिस को देखते हैं जिसके अंदर ये जानकारी दी गई है। इसके लिए आपको मेन्यू में जाना होगा और आपको सूचनाएं पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिस पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं परिणाम, यह आपके 26/7/2024 को जारी किया गया। इसके अंदर आपके STSA CAT 1 एंड SSC के रिज़ल्ट जारी किए गए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं रिज़ल्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट ऑन 23/6/2024 फॉर द पोस्ट STSA CAT 1 एंड SSC। आपको नोटिस चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। देखिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। सबसे पहले आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, उसका सब्जेक्ट दिया गया है। सब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन CAT 1 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट के रिज़ल्ट जारी हुए हैं। यहाँ पर STSA CAT 1 के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और SSC के अंदर सेफ्टी सुपरवाइज़र, तो इन सभी का जो स्कोर कार्ड है वो प्रत्येक कैंडिडेट की इंडिविजुअल लॉगिन आईडी पर शो किया गया है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिज़ल्ट कैसे चेक करना होगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करना होगा और जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने होम पेज ओपन होगा। जैसे आप वेबसाइट पर आएंगे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन का बटन दिखेगा। आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड एंटर करना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, आपको ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आवेदन करें पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन की स्थिति, यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपके सामने आपकी आवेदन की स्थिति ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति यानी एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैं एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुआ था, तो यहाँ पर मेरा रिज़ल्ट शो हो रहा है। यू हैव नॉट अपीयर फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द पोस्ट SAST CAT 1 फिजिक्स। तो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे उनका स्कोर कार्ड आप यहाँ से देख पाएंगे। तो आपको इस प्रकार से अपना रिजल्ट चेक करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और भी फ्यूचर में अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्यूचर में किसी भी प्रकार की इसके अलावा फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।